रजा एक्शन कमेटी ने आला हजरत उर्स में पानी बिजली सड़क सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की। आपको बता दें अगस्त के महीने में 29, 30 और 31 तारीख के मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ 106 में उर्स में रजवी मनाया जाएगा। इस मुबारक मौके पर देश विदेश से जारी तादाद में जायरीन बरेली शरीफ पहुँचेंगे, लिहाजा उनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की सुविधाएँ दुरुस्त रखने और व्यवस्था करने की जिलाधिकारी से मांग की। तंजीम आल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जो है हुजूर अदनान मियां साहब कबला के निर्देश अनुसार ज्ञापन देने के लिए उर्स आला हजरत अन करीब है, जो 29 और 30 31 जो है अगस्त में 2024 में मनाया जाएगा, जो हिंदुस्तान में एक बड़ा उर्स होता है जो आला हजरत का। आला हजरत एक धार्मिक गुरु गुजरे हैं जिन्होंने अच्छाई का पैगाम दिया है, उनका उर्स मुकद्दस है। इसमें तकरीबन 40 से 50 लाख जायरीन तशरीफ़ लाते हैं शहर बरेली शरीफ में और यहाँ से अमन का पैगाम ले जाते हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ज़िलाधिकारी महोदय से ये अपनी बात रखी है, जो वक्त पर लाइटें ख़राब हो जाती हैं, नालियाँ बंद हैं, बरसात का मौसम है, 5 मिनट की बारिश पूरे शहर को जाम कर देती है। इस ताल्लुक़ से हमने ज्ञापन सौंपा है और दूसरा नगर निगम के ताल्लुक़ से हमने बात कही है, साफ़ सफ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाई है। अब तक उर्स मुकद्दस करीब है और साफ़ सफ़ाई नहीं हो पाई, ना ही नालियों की सफ़ाई हो पाई है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ज़िलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, इन पर इन बातों को अमल में लाया जाए और इनको जो है जायरीन जो आए वो अच्छा पैगाम शहर बरेली से लेकर जाए। क्यों? क्योंकि बरेली शहर जो है, ज़िला जो है हमारा, वो स्मार्ट सिटी है।